हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि पता है, आज मेरे कॉलेज में रखा गया है ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें कुछ थीम दिए गए हैं, जैसे चंद्रयान 3, G20 शिखर सम्मेलन, सर्व शिक्षा अभियान, मेक इन इंडिया। तो इस तरीके से टॉपिक दिए गए हैं और बच्चे बनाएंगे। तो यहाँ पे टॉपिक जो नई शिक्षा नीति आई है इस बार, उसमें बच्चों को सर्वांगीण विकास, जैसे कि उन्हें जो ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, विद्या कॉम्पिटिशन और रंगोली कॉम्पिटिशन, ताकि वो फ्यूचर में कुछ अपने हुनर को दिखा सके एजुकेशन लाइफ में ही, ताकि अगर कोई बच्चा अपने किसी फील्ड में अच्छा पकड़ रखता है, तो उसको प्रोत्साहित करके उसकी जो हॉबीज़ है, उसकी जो पसंद है, जिसमें वो स्किल्स डेवलप कर सकता है, उसको उसके स्किल को इतना डेवलप करें कि वो उसे प्रोफेशन बना लें। जैसे कि कोई रंगोली बना रहा है, आगे चल कर भी अच्छा रंगोली आर्टिस्ट बन सकता है, कोई किसी की अच्छी ड्राइंग है तो इसमें भी अपना करियर बना सकता है। तो यही है हमारी नई शिक्षा नीति, जिसमें हम बच्चों को बहुत तरह के जैसे जो कार्य होते हैं, कंपटीशन वगैरह कराए जाते हैं, ताकि उनको एक हौसला मिले, और प्राइज़ भी दिया जाता है, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी सोचें कि हम भी करें और हम भी उनसे अच्छा बेहतर करें और एक प्राइज़ पाएँ। क्योंकि बच्चे अगर हम उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे किसी प्राइज़ वगैरह से, तो थोड़े उतने उत्साहित नहीं होंगे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे देखते हैं, अगर सामने वाले को प्राइज़ मिल रहा है तो सोचते हैं हम भी लेकर आएँ। तो यही जो उत्साह है, उसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं, ताकि कॉलेज में बच्चे अपने हुनर को दिखा सकें। तो चलिए देखते हैं कि ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन कैसा चल रहा है। क्लास 9th के बच्चे हैं यहाँ पे, सारे लोग क्लास 9th के हैं। यस सर। अच्छा, 10th वाले यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्रिया मैम और पूजा मैम इनको सुपरवाइज कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट पेपर पे इन लोगों को जैसे हमने बताया था कि थीम दिए गए हैं, और वो लोग अपना अपना बना रही हैं। तो अभी हम थीम के बारे में पूछेंगे, कौन कौन सी थीम गई। पहले आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने भर भर के पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है टॉप करें। बॉयज़ कोई नहीं लिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट, क्यों? पढ़ाई में क्या नहीं आता है? अच्छा, खुद बना रहे ये दोनों बना रहे, दो बच्चे देख सकते हैं। गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, बॉयज़ कम है, बट तो यहाँ पे कोई बॉयज़ कंपटीशन में भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया है। पूजा मैम, आज के कौन सा कंपटीशन रखा गया है? यह कला विज्ञान की शाखा का एक कंपटीशन है, कला विज्ञान। तो इससे बच्चों को लाभ क्या होगा, ये बताइए। कला से जो बच्चों का लाभ है, वो क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो सोचते हैं कि हम क्या बनाना है और कौन से रंगों का इसमें सही से प्रयोग करेंगे तो वह अच्छा दिखेगा, जिससे उनका मानसिक स्तर का विकास होता है। तो यहाँ पे कुछ थीम दिए गए होंगे ना, क्या क्या थीम दिए गए हैं इन लोगों को? चंद्रयान 3 का थीम दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान है, और इसके अलावा जो है G20 सम्मेलन है, और भी दो एक है। तो आप देख सकते हैं बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बहुत लगन से कर रहे हैं, सिवाय बॉयज़ के, ये लोग शायद पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तो इन लोगों का स्टार्टिंग है, थोड़ा जब ये लोग कुछ ड्राइंग कर लेंगे तो हम आपको आएंगे बताएंगे। और देख सकते हैं क्लास 11th के बच्चे यहाँ पे, इस क्लास 11th को एकता मैम सुप्रवाइज कर रही हैं। अभी कितने शांत बैठे हैं यहाँ पे। तो एकता मैम, यहाँ पे बच्चों को वही क्या थीम दिया गया है? यहाँ पे बच्चे 5 थीम है, जो स्वच्छ भारत अभियान है, चंद्रयान 3 है, मेड इन इंडिया है, और G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। उसमें से बच्चों को जो अच्छा लगा है, कुछ लोग चंद्रयान 3 बना रहे हैं, कुछ लोग स्वच्छ भारत अभियान, और कुछ G20 सम्मेलन, और कुछ मेड इन इंडिया भी बना रहे हैं। मुझे विश्वास है बच्चे अच्छा बनाएंगे, काफ़ी शुरुआत इन लोगों ने कर दी है। होता है ना कि एक मार्गदर्शक, तो आप जैसे मार्गदर्शक रहे हैं तो बच्चे और भी अच्छा काम करेंगे। तो ये बताइए, जो कॉम्पिटिशन रखा गया है, इससे बच्चों को लाभ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये बच्चे अगर मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान ही जो बच्चे बना रहे हैं, उनसे ये पता चलेगा कि हमें आसपास कैसी स्वच्छता रखनी चाहिए। हम कितना भी सबको सिखाते हैं, लेकिन आजकल आप देख ही रहे हैं डेंगू वगैरह की बीमारी कैसी फैल रही है। तो ये सब करने के लिए जो बच्चे स्वच्छ भारत अभियान बना रहे हैं, मुझे ये विश्वास है कि बच्चे स्वच्छता बना रहे हैं तो अपने अगल बगल स्वच्छता बताएंगे भी, सिखाएंगे भी सबको। थैंक यू।
वेलकम। तो देखा आपने एकदम हमने कितने अच्छे से विस्तार से बताया, और बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब थोड़ा बना लेंगे फिर हम आपके पास आएंगे। यहाँ पे एक 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 ड्राइंग में हमें लगता है पाँच लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपने देखा ये क्लास 11 के बच्चे हैं, तो क्या आप लोगों को फर्स्ट पोजीशन लाना है? सर ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन आने के लिए बहुत ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए और क्लास में अच्छे पोजीशन लेकर आइए। कहते हैं अभी पहले एकता मैम थी, अब उनके सपोर्ट में पूजा मैम भी आ गई हैं, साक्षी मैम भी आ गई हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे ये किस चीज़ का कौन सा थीम है? ये स्वच्छ भारत अभियान, ये इसरो मिशन लगता है, इसरो मिशन है। अभी स्टार्ट हो चुका है पेंटिंग, इसके बाद से कलर वगैरह डाले जाएंगे, भरे जाएंगे। ये कौन सा विषय है? मेड इन इंडिया, तो इंडिया कलर आप देख सकते हैं, झंडे का कलर आ गया है इस चार्ट पे। यहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की झाड़ू लगाते हुए, तो ये हो गया है स्वच्छ भारत अभियान। और लड़के को देखो इतना गंदा बनाई, मतलब एक भिखारी लड़का, खूबसूरत लड़की, ये सोची समझी चाल है या वैसे बन गया है? अच्छा अच्छा ठीक है, आधा अधूरा है, आधा अधूरा है, ये बन जाएगा। हाँ तो जब लड़की खूबसूरत तो लड़का भी खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा लड़की खूबसूरत, ये कौन बोला? अच्छा हाँ, लड़कियाँ आधा किलो मेकअप भी तो चेहरे पे लगाती हैं। मेकअप करना नहीं, उसका हाथ बनाना बाकी है। हाँ ठीक है, बनाओ उसको, हाथ को बनाओ। मैम तो बिजी हैं लगता है, कुछ सीटेट की तैयारी कर रही हैं। कैसी वीडियो? जो अपने चैनल पे डालना है। अच्छा ये बता रहे, एक मिनट आप चैनल पे बने रहिए, हम एकता मैम को बता रहे हैं कि कैसे वीडियो अपलोड करना है। और ये किस थीम पे बन रहा है? ये वाला चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, इस चंद्रयान 3 वाला देख सकते हैं आप। और ये बैक साइड, ये आप लोगों का कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान, सब बढ़े सब पढ़े, ठीक है। ये इसरो वाला है आपका, इनका इसरो है। ये आपका क्या है? ये 20 सेकंड सम्मेलन, हाँ मस्त है। आपका क्या है? स्वच्छ भारत है क्या? स्वच्छ भारत मिशन। आपका चंद्रयान, तो देख सकते हैं सबका लगभग अभी आधा अधूरा है। आपका क्या है? मेड इन इंडिया। आपका सम्मेलन, चलिए लगे हैं सब लोग। ये गांधी जी इसमें आए हैं, ये किस थीम के अंतर्गत है, किस थीम के लिए है? स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा इतना सोच क्यों बता रही हैं आप? यहाँ पे कौन सा क्या बन रहा है? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान लगभग ज़्यादा लोग बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है? स्वच्छ भारत, तो लगभग आज की कंपटीशन में 80% स्वच्छ भारत अभियान पे बना रहे हैं। बॉयज बैठे हैं, एक लोग सो भी गए हैं। बच्चे गर्ल्स तो कंपटीशन कर रही हैं, आप लोगों को क्या करना है? बैठे हैं, मस्त बैठे हैं, मस्त है, थैंक्स थैंक्स। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, स्वच्छ भारत है, किसने बनाया है? ओके देख सकते हैं, G20 का सम्मेलन भी कंप्लीट हो चुका है, इसको बनाए हैं इन्होंने। ये भी और स्वच्छ भारत मिशन ये भी कंप्लीट हो चुका है, चंद्रयान मिशन ये भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं G20 का सम्मेलन थोड़ा बाकी है, यहाँ पे भी मेड इन इंडिया कंप्लीट हो चुका है, स्वच्छ भारत मिशन ये भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ भी स्वच्छ भारत मिशन ये भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसरो वाला ये भी देख सकते हैं आप, चंद्रयान मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, इन्होंने बनाया है। और ये भी चंद्रयान कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है।
ये सब पढ़ें सब बढ़ें, ये भी कम्प्लीट हो चुका, थोड़ा सा इसमें टच बाकी फाइनल टच। और देखिए ये भी इसरो जो वाला इसरो चंद्रयान मिशन कम्प्लीट हो गया, स्वच्छ भारत मिशन ये भी कम्प्लीट हो चुका है, चांदनी रात में यहाँ भी स्वच्छ भारत मिशन है ये भी कम्प्लीट हो चुका है, ये भी स्वच्छ मेक इन इंडिया है ये कम्प्लीट हो चुका है। तो अब ये सारे जो ड्राइंग थे कम्प्लीट हो चुके हैं, अब प्रिंसिपल सब आएंगे, उसके बाद कुछ मैम्स लोग आएंगी, तो अब डिसाइड करेंगे किसको फर्स्ट पोजीशन देना है, किसको सेकंड, किसको थर्ड। अच्छा ही लग रहा है, नहीं ब्लॉग है, हम लोग को तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ड्राइंग कंपटीशन में जिसमें स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है भी, चंद्रयान थ्री है, G20 शिखर सम्मेलन भी है, और चंद्रयान थ्री, स्वच्छ भारत अभियान, फिर चंद्रयान थ्री, फिर स्वच्छ भारत अभियान, फिर स्वच्छ भारत अभियान, फिर चंद्रयान थ्री, स्वच्छ भारत अभियान, मेड इन इंडिया, G20 शिखर सम्मेलन और मेड इन इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज जाता है G20 शिखर सम्मेलन को, आपका नाम प्रियंका यादव, G20 शिखर सम्मेलन को फर्स्ट प्राइज जाता है। मैम आप लोग भी कोई डिसाइड करिए दो, सेकेंड एंड थर्ड, ये स्वच्छ भारत सेकेंड प्राइज, सेकेंड जाता, क्लैपिंग कर दीजिए, फर्स्ट वो है, उसको सेकंड बोलिए, ये आता है स्वच्छ भारत, इसे भी सेकंड पोजीशन में रखा जाता है। तो आपने देखा एक स्वच्छ भारत सेकंड पे और यहाँ भी स्वच्छ भारत, दोनों को सेकंड प्राइज दिया जाता है। मैम आप लोग अब बताइए थर्ड पोजीशन में कम से कम दो लोग, थर्ड पोजीशन कम से कम दो लोग, सकते हैं आप जितने बाकी जिन पार्टिसिपेंट ने पार्ट लिया थे इसमें सबको थर्ड पोजीशन पे रखा जाता है और सबको प्राइज दिया जाएगा। तो सबके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, बस हमारा ब्लॉग खत्म हो चुका है, हम लोग चले गए, छुट्टी हो चुकी है, विनीता मैम भाग रही हैं और आज लेट भी हो चुका है, छुट्टी हो चुकी है, देख सकते हैं ब्लॉग खत्म हो चुका है, पार्टिसिपेट कर दिया गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।